वेलकम फ्रेंड्स, मैं राजकुमार यदुवंशी पीवीआर स्टडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ अपराध और उन पर लगने वाली धाराएं और उसके माध्यम से कौन कौन सी सज़ा हो सकती है, ये सब जानेंगे। ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। आज हम बात करेंगे आईपीसी के बारे में। आईपीसी जिसे आप जानते हैं इंडियन पेनल कोड, जी हाँ, आईपीसी यानी कि इंडियन पेनल कोड क्या होता है और इसका क्या प्रावधान होता है, चलिए देखते हैं। आज हम लोग बात करेंगे धारा 354 की बारे में। जी हाँ, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, इस वीडियो में दिखाई गई किसी भी प्रकार की जानकारी इंटरनेट सोर्स और विश्वसनीय न्यूज सोर्स के माध्यम से ली गई है, कृपया इसे और कहीं से मिलान कर लें अगर आपको कोई कन्फ्यूजन लगता है तो, क्योंकि किसी भी प्रकार की आपकी हुई समस्या अथवा अन्य कोई क्षति के लिए पीवीआर स्टडी किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा। अंग्रेजों की देन है आईपीसी, जी हाँ, इंडियन पेनल कोड भारतीय दंड संहिता जो है वो अंग्रेजी सरकार की देन है। आइए देखते हैं क्या है, कैसे है। भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी, जिसे आप फुल फॉर्म में जानते हैं इंडियन पेनल कोड, ये सन 1862 ईस्वी में ब्रिटिश काल के दौरान लागू हुई थी। इसके बाद समय समय पर इसमें संशोधन होते रहे, विशेषकर भारत के स्वतंत्र होने के बाद इसमें बड़ा बदलाव किया गया। पाकिस्तान और बांग्लादेश ने भी भारतीय दंड संहिता को ही अपनाया। लगभग इसी रूप में यह विधान तत्कालीन ब्रिटिश सत्ता के अधीन आने वाले बर्मा, श्रीलंका, मलेशिया, सिंगापुर और ब्रुनेई आदि में भी लागू किया गया था। चलिए आज हम लोग बात करते हैं क्या है भारतीय दंड संहिता। जी हाँ, भारतीय दंड संहिता यानी कि इंडियन पेनल कोड, जिसे आईपीसी के नाम से जाना जाता है, ये भारत में यहाँ के किसी भी नागरिक द्वारा किए गए कुछ अपराधों की परिभाषा है और दंड का प्रावधान करती है, लेकिन यह जम्मू कश्मीर और भारत की सेना पर लागू नहीं होती है। जम्मू एवं कश्मीर में इसके स्थान पर रणबीर दंड संहिता यानी कि आरपीसी लागू होती है। जी हाँ, आप लोग याद रखें, भारत के अगर किसी भी और आप राज्य से हैं तो आपके ऊपर अगर कोई भी आपराधिक केस लगता है तो उसमें आईपीसी धारा लगती है, लेकिन जम्मू कश्मीर में रहने वाले व्यक्ति के ऊपर आरपीसी लगती है। आइए बात करते हैं कि क्या और कैसे, क्या होती है इसमें सज़ा। देखिए, हम बात कर रहे हैं धारा 54 के बारे में यानी कि 354 के बारे में। तो 354 के बारे में सबसे पहले हम आपको बता दें कुछ जानकारी। महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने पर लगती है धारा 354। महिलाओं के साथ होने वाली छेड़छाड़ या उत्पीड़न के मामले में जब भी कानूनी तौर पर दर्ज होते हैं तो पुलिस अक्सर ऐसे मामलों में आरोपी के खिलाफ 354 के तहत मुकदमा दर्ज करती है। आइए जानते हैं आईपीसी के धारा 354 के बारे में। आईपीसी की धारा 354 कौन कौन से प्रावधान करती है, ध्यान से देखिएगा। महिलाओं के साथ होने वाली छेड़छाड़ या उत्पीड़न के मामले में जब भी कानूनी तौर पर दर्ज होते हैं तो पुलिस अक्सर ऐसे मामलों में आईपीसी 354 के तहत मुकदमा दर्ज करती है। क्या है आईपीसी 354? भारतीय दंड संहिता की धारा 354 का इस्तेमाल ऐसे मामलों में किया जाता है जहां स्त्री की मर्यादा और मान सम्मान को क्षति पहुँचाने के लिए उस पर हमला किया गया हो या उससे गलत मंशा के साथ जोर जबरदस्ती की गई हो। इसके आगे अगर हम बात करें क्या होती है सज़ा, जी हाँ, इसमें क्या सज़ा होती है इसके बारे में भी देख लेते हैं। भारतीय दंड संहिता के मुताबिक यदि कोई व्यक्ति किसी महिला की मर्यादा को भंग करने के लिए उस पर हमला या जोर जबरदस्ती करता है तो उस पर आईपीसी की धारा 354 लगाई जाती है, जिसके तहत आरोपी पर दोष सिद्ध हो जाने पर 2 साल तक की कैद या जुर्माना या फिर दोनों सज़ा हो सकती है। ध्यान दीजिएगा, ये सज़ा हो सकती है और दोष सिद्ध हो जाने पर। आपने देखा होगा भारत में इस समय बहुत से ऐसे आरोप भी लगते हैं जिनका इससे कोई लेना देना नहीं होता, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। तो कुछ विवाद कुछ और रहता है, लेकिन बहुत से ऐसे महिलाएं हैं, बहुत से ऐसी स्त्रियां हैं जो कोई ना कोई दूसरे विवाद के चक्कर में कोई दूसरा आरोप लगा देती हैं, तो उन पर पहले इस दोष की जाँच होती है। अगर ये दोष सिद्ध हो जाता है तब ये सज़ा का प्रावधान हो सकता है। इसके आगे बात करते हैं क्या है, ध्यान दीजिएगा, क्या है भारतीय दंड संहिता। भारतीय दंड संहिता यानी कि इंडियन पेनल कोड, ये तो मैंने अभी आपको बता दिया, सबसे पहले आप लोगों ने देख लिया, और अंग्रेजों की देन है ये, आप लोगों ने इसको भी देख लिया।
इसके अलावा हम बात करते हैं कि और भी बहुत सी धाराएं होती हैं जिनको हमने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था, जिसको इस समय लगभग 4 से 5 लाख लोगों ने देख लिया है और उन लोगों की मांग है कि उनको धारा के बारे में और जानकारी दिया जाए। तो चलिए अब हम बात करते हैं दूसरी धारा के बारे में, उसे ध्यान से देखिएगा। आइए अब हम बात करते हैं सभी धाराओं और उनसे संबंधित अपराध के बारे में। आपसे एक बात कहना चाहेंगे, ये जानकारी आप अपने विश्वसनीय इंटरनेट सोर्स विकिपीडिया के माध्यम से देख रहे हैं। जी हाँ, विकिपीडिया के माध्यम से दिखाई जाने वाली जानकारी को आप कोई भी कार्रवाई करने से पहले कहीं से भी प्रूफ कर सकते हैं, इसके लिए हम किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होंगे। आइए देखते हैं धारा एक में क्या है। धारा एक, सबसे पहली धारा कौन सी होती है? संहिता का नाम और उसके परिवर्तन का विस्तार। देखिए यहाँ पर कोई भी जो सभी धाराएं हैं वो सभी में बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं है और सभी धाराएं बहुत ज़्यादा काम की नहीं है, आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जो काम की धाराएं हैं उनके बारे में यहाँ डिस्क्राइब भी किया गया है और हम आपको दिखाएंगे भी। ध्यान दीजिएगा, धारा दो, भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड, यानी कि धारा दो कब लगती है? भारत के भीतर किए गए अपराधों के दंड पर। धारा तीन क्या है? भारत से परे किए गए किंतु उसके भीतर विधि के द्वारा आचरणीय अपराधों का दंड। धारा चार है, राज्य क्षेत्रातीत अपराधों पर संहिता का विस्तार। धारा पाँच, कुछ विधियों पर इस अधिनियम द्वारा प्रभाव न डाला जाना। ये अध्याय एक में आपने देख लिया। अध्याय दो में आप देखिए साधारण स्पष्टीकरण। देखिए इसका अगला वीडियो में हम आपको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करके दिखाएंगे, टेंशन मत लीजिएगा। यहाँ से आप लोग बस थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का जानकारी ले लें कि सब धारा में क्या क्या जानकारी है, ठीक है। धारा छः, संहिता में की परिभाषाओं का अपवादों के अध्ययन समझना। देखिए हम इसको पीछे से दिखाते हैं आपको, जहाँ से आपको कुछ समझ में आए, क्योंकि यहाँ से शुरू में कुछ मज़ेदार है नहीं, मतलब कहने का आपका मन नहीं लगेगा और कहीं पूछा भी नहीं जाता। अक्सर कुछ ही धाराओं से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो चलिए दिखाते हैं आगे। देखिए धारा 500 यहाँ पर आप देख रहे होंगे क्या है, 9 और 10। धारा 510 कब लगती है? शराबी व्यक्ति द्वारा लोक स्थान में दुराचार करना, मतलब अगर कोई शराबी व्यक्ति है लोक स्थान में वो दुराचार करता है, गलत व्यवहार करता है, तो उस पर धारा 510 लगती है। धारा 509, शब्द अंग विच्छेद या कार्य जो स्त्री की लज्जा का अनादर करने के लिए असहित हो, मतलब कि किसी स्त्री का अपमान करे, ऐसा शब्द या अंग विच्छेद इस अपराध के लिए धारा 509 का प्रावधान किया गया है। अगर ये अपराध सिद्ध हो जाता है तो धारा 509 लगती है। आगे देखिए धारा 508, व्यक्ति को यह विश्वास करने के लिए उत्प्रेरित करके कि वह दैवी अपरसाद का भाजन होगा कराया गया कार्य, मतलब किसी भी व्यक्ति को गुमराह कर देना एक प्रकार से, या विश्वास कराने के लिए उत्प्रेरित करके कि वह दैवी अप्रसाद का भाजन होगा, मतलब कोई कार्य वो जो ना चाहता हो उससे करवाना, कुछ इससे संबंधित है। अगला आप देख सकते हैं धारा 507, अनाम संसूचना द्वारा आपराधिक आभित्रास। और धारा 506 का जो प्रावधान किया गया है वो धमकाने के लिए, अगर किसी को कोई डराता धमकाता है किसी बात को लेकर के, तो उस पर धारा 506 लगती है। आप देखते होंगे किसी एक अपराध में एक साथ कई धाराएं लगती हैं क्योंकि उसमें कई गलतियां होती हैं, ठीक है। आगे देखिए धारा 505, लोक अरिष्टिकारक वाक्य। और धारा जो 504 है इसको देखिएगा, शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना, मतलब कि धारा 504 का प्रावधान कब किया गया है? जब कोई व्यक्ति को ये मालूम हो कि यह कार्य करने से शांति भंग होगी और यहाँ पर कोई विशेष प्रकार का अपवाद वाद विवाद हो सकता है, वो जानबूझकर शांति भंग करने का इरादा मतलब अपनाता है, तो उस पर धारा 504 लगती है। आपराधिक अभित्राज के लिए धारा 503 लगती है। और इसके बाद अगर हम बात करें धारा 503 के पहले अध्याय 22 में, तो यहाँ से आप लोग समझ जाएंगे और भी बहुत कुछ जो कि हम आपको दिखाने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। धारा 499, मानहानि। मानहानि अगर किसी के साथ होती है तो वो उपरोक्त अपराधी पर मानहानि का मुकदमा लगा सकता है धारा 499 के अंतर्गत। आपने देखा होगा बहुत से ऐसे वाक्य लोग बोलते हैं जो कि किसी की मानहानि का कारण बनता है, तो ये भी आईपीसी में प्रावधान किया गया है कि आप उसके ऊपर मानहानि का मुकदमा चला सकते हैं, अगर आपका दोष सिद्ध होता है तो उस व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई होगी।
मानहानि के लिए दंड, धारा 500 में मानहानि के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। 501 में मान हानिकारक जानी हुई बात को मुद्रित या उत्कृष्ट करने पर यह प्रावधान किया गया है। 502 में मान हानिकारक विषय रखने वाले मुद्रित या उत्तीर्ण सामग्री का बेचना, मतलब कि अगर कोई व्यक्ति कोई ऐसी सामग्री बेच रहा है जिससे किसी की मान हानि होती है, मतलब किसी के अपोजिट वो है, तो उसके लिए धारा 502 का प्रावधान किया गया है। इसके आगे हम बात करते हैं अगर, तो धारा 498 का, देखिए धारा 498 में और भी भाग हैं। धारा 498 का जो है वो किस चीज़ के लिए है, पति पत्नी के संबंधियों द्वारा निर्दयता करना। जी हाँ, धारा 498 का जो है वो किसी स्त्री के पति या पति के नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता करना, मतलब किसी स्त्री के पति यानी कि हस्बैंड या पति के रिश्तेदार द्वारा अगर उस स्त्री पर क्रूरता की जाती है तो धारा 498 का के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया जाता है। इसके पहले अगर हम बात करें यहाँ पर धारा 490 के बारे में, तो समुद्र यात्रा या यात्रा के दौरान सेवा भंग करना, यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति कहीं समुद्र यात्रा कर रहा है और वहाँ पर वो कोई ऐसा कार्य कर देता है कि सेवा भंग हो जाती है, मतलब कि समुद्र यात्रा में बाधा आती है, तो धारा 490 के अंतर्गत उसके ऊपर आपराधिक केस दर्ज किया जा सकता है। धारा 491 असहाय व्यक्ति की परिचर्या करने और उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने की संविदा का भंग करना। धारा 492 का जो प्रावधान है उसको भी देखिएगा, दूर वाले स्थान पर सेवा करने का संविदा भंग जहां सेवक को मालिक के खर्चे पर ले जाया जाता है। जी हां, एक बात और ध्यान दें, कोई भी धारा या कोई भी मुकदमा तभी किसी के ऊपर चल सकता है जब आपके द्वारा किया गया केस सिद्ध हो, क्योंकि आप देखते हैं पहले उस केस की जांच होती है, जांच पड़ताल में ये प्रूफ होता है कि हाँ ये जो अपराध का केस दर्ज करवा रहा है ये बंदा, क्या ये सही है या गलत है, क्योंकि लोग एक दूसरे के दुश्मनी में भी या किसी और बात को लेकर के आप देखते हैं गलत आरोप लगा करके मुकदमा दर्ज करवाते हैं, तो इसकी भी जांच होती है और फिर कार्रवाई होती है, बिना जांच के कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, आगे देखिएगा धारा 493, विधिपूर्ण विवाह का धोखे से विश्वास उत्प्रेरित करने वाले पुरुष द्वारा कारित सहवास, मतलब फिर से देख लीजिए धारा 493, विधिपूर्ण विवाह का धोखे से विश्वास उत्प्रेरित करने वाले पुरुष द्वारा कारित सहवास, मतलब कि ये विवाह से संबंधित है। अगर विधिपूर्ण विवाह का धोखे से विश्वास उत्प्रेरित करना, मतलब कि विधिपूर्वक विवाह किया और धोखे से उस विश्वास को तोड़ दिया, कुछ इसी के संबंध में है, इसे आप समझ सकते हैं। अगला जो है धारा 494, पति या पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह करना, मतलब कि अगर कोई पति या पत्नी है अपने जीवन काल में वो दूसरा विवाह कर लेता है, यहाँ पर हमें यही समझ में आ रहा है कि पहली पति या पत्नी के होते हुए अगर कोई दूसरा विवाह करता है तो हिंदू धर्म में उस पर धारा 494 लगाई जाती है। धारा 495, वही अपराध पूर्ववर्ती विवाह को उस व्यक्ति से छिपा कर जिसके साथ आगामी विवाह किया जाता है। जी हाँ, धारा 495 भी इसी से संबंधित है, वही अपराध पूर्ववर्ती विवाह को उस व्यक्ति से छिपा कर जिसके द्वारा आगामी विवाह किया जाता है। धारा 496, विधिपूर्ण विवाह के बिना कपटपूर्ण विवाह क्रम पूरा करना, मतलब कि अगर कोई व्यक्ति किसी स्त्री के साथ या कोई स्त्री किसी पुरुष के साथ विधिपूर्ण विवाह नहीं करता है, मतलब कि जैसा कि आप जानते हैं जो नियम धर्म अपने भारत देश में हर एक समुदाय में लगाया गया उस नियम से नहीं करते हैं, कपटपूर्ण विवाह का कर्म पूरा करते हैं, जबरदस्ती करते हैं, तो उस पर धारा 496 का प्रावधान किया गया है। व्यभिचार के लिए धारा 497 का प्रावधान किया गया है। और धारा 498, विवाहित स्त्री को आपराधिक आशय से फुसला कर ले जाना या निरुद्ध रखना, मतलब कि धारा 498 का प्रावधान जो किया गया है वो किसी विवाह की हुई स्त्री यानी कि जिसका विवाह हो गया हो उसे आपराधिक आशय से फुसला कर ले जाना, मतलब किसी अपराध करने की इच्छा से उसको बहलाना फुसलाना, इसके संबंध में प्रावधान किया गया है। और इसके आगे हम बात करेंगे अगले अध्याय में, उस अध्याय को भी देख लीजिएगा आप लोग, अध्याय नंबर 18 ये हो चुका है, आपने देख लिया 19। अब देखिए कुछ यहाँ पर और भी प्रावधान किए गए हैं, ध्यान दीजिएगा इनको।
धारा 463 कूट रचना, धारा 464 मिथ्या दस्तावेज रचना, मतलब कि अगर कोई व्यक्ति कहीं पर कोई दस्तावेज का मतलब प्रस्तुत करता है और वो गलत दस्तावेज बना के ले जाता है, यानी कि अगर आपको आईडी प्रूफ देना है, आपने फर्जी आधार कार्ड या वोटर आईडी बनवा लिया और उसे किसी कंपनी या संस्थान में किसी कार्य के लिए जमा कर दिया, तो उसकी जगह पर धारा 464 का प्रावधान किया गया है। धारा 465 कूट रचना के लिए दंड, कूट रचना मतलब आप जानते हैं जो कि गलत तरीके से रची जाती है, इसके लिए दंड का प्रावधान किया गया। धारा 466 न्यायालय के अभिलेख की या लोक रजिस्टर आदि की कूट रचना, मतलब किसी न्यायालय के अभिलेख यानी कि लेखा जोखा का जो भी रिकॉर्ड है या फिर लोक रजिस्टर आदि की कूट रचना, अगर गलत तरह से कोई रचना रचता है, कोई भी ऐसा प्रक्रम करता है, तो इसके लिए धारा 466 का प्रावधान किया गया है। धारा 467 मूल्यवान प्रतिभूति वसीयत इत्यादि की कूट रचना। धारा 468 छल के प्रायोजन से कूट रचना। धारा 469 ख्याति को अपहानि पहुंचाने के आशय से कूट रचना, यानी कि अगर कोई व्यक्ति या कोई कंपनी प्रसिद्ध है और वो अच्छे तरीके से चल रहा है, यहाँ पर हमारे समझ से यही जानकारी होगा, उसकी ख्याति को अपमान यानी कि अपहानि पहुंचाने के आशय से अगर कोई रचना रचता है कि उसको बदनाम कर दे या किसी भी तरीके से उसको मतलब हर्ट करके उसकी जो मान है, उसका जो मतलब ख्याति है, प्रसिद्धि है, उसको नष्ट करे, तो उसके ऊपर धारा 469 का प्रावधान किया गया है। धारा 470 के अंतर्गत आप लोग देख सकते हैं कूट रचित दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का असली के रूप में उपयोग में लाना, मतलब धारा इसके पहले हमने बात किया ऊपर कौन सी लगेगी, अगर आपने कोई गलत तरह का दस्तावेज तैयार किया, लेकिन अगर उस दस्तावेज को तैयार करके और आपने कहीं उपयोग भी कर लिया मतलब लगा दिया, तो आपके ऊपर धारा 471 का प्रावधान किया गया है। मतलब ये किसी के ऊपर हो सकता है, माफ़ करिएगा, यहाँ पर आपके ऊपर या हमारे ऊपर जो कोई भी ये कर्म करेगा किसी के ऊपर हो सकता है। तो आगे क्या है, ये कह रहा धारा 472, धारा 467 के अधीन दंडनीय कूट रचना के आशय से कूट कृत मुद्रा आदि का बनाना या कब्जे में रखना। धारा 477 अन्यथा दंडनीय कूट रचना धारा के आशय से कूट कृत मुद्रा आदि का बनाना या कब्जे में रखना। धारा 474 ये भी उसी से संबंधित है, और धारा 475 धारा 467 में वर्णित दस्तावेजों के आदि प्रमाणीकरण के लिए उपयोग में लाई जाने वाली अभिलक्षणा या चिन्ह की कूटकृति बनाना या कूटकृति चिन्ह युक्त पदार्थ को कब्जे में लेना। इस तरह से यहाँ पर बहुत सी धाराएं हैं जो कि प्रावधान किया गया है। मिथ्या व्यापार चिन्ह का उपयोग में किया जाना, मतलब कि अगर कोई गलत व्यापार चिन्ह प्रयोग करता है धारा 480 लगती है। मिथ्या संपत्ति चिन्ह का प्रयोग करता है तो भी उसके ऊपर धारा लगती है। और लोक सेवक द्वारा उपयोग में लाए गए चिन्ह का कूटकरण करना, किसी ऐसे पात्र के ऊपर मिथ्या चिन्ह लगाना बनाना जिसमें माल रखा है, मतलब कि धारा 487 ऐसे अपराधों में लगता है कि कैसी ऐसे बर्तन के ऊपर अगर कोई दूसरा चिन्ह कोई बना देता है जिसमें कुछ दूसरा चीज़ रखा हुआ है, तो उसके ऊपर धारा 487 लगती है। जैसा कि आप लोग देखते होंगे बहुत से ऐसे सामानों का लोग आयात निर्यात करते हैं जिसमें रहता कुछ और है और ऊपर से वो कुछ और दिखाते हैं, तो ऐसे अपराध के लिए धारा 487 लगाई जाती है। अगला है धारा 488 किसी ऐसे मिथ्या चिन्ह का उपयोग में लाने के लिए दंड, क्षतिकारित करने के आशय से संपत्ति को बिगाड़ चिन्ह को बिगाड़ना, करेंसी नोटों या बैंक नोटों का कूटकरण करना, मतलब कि अगर कोई व्यक्ति रुपया पैसा का हेर फेर करके उसके जैसे सिमिलर रुपया बनाने की कोशिश करता है, तो उसके ऊपर धारा 489 का लगाई जाती है। और करेंसी नोटों या बैंक नोटों से सदृश रखने वाली दस्तावेजों की रचना या उपयोग करने पर धारा 489 का प्रावधान किया गया है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपने बहुत सी धाराओं के बारे में देख लिया, इसके बाद और बची हुई जो भी जानकारी है उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। आपसे हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कृपया इस वीडियो को पूरा देखिएगा अगला वीडियो, और उस वीडियो को देखने के बाद में लाइक करना और अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलिएगा, अवश्य शेयर करिएगा, ठीक है ना। तो इसके आगे अब हम बात करते हैं किसी अगले वीडियो में, यानी कि अगला जो है वो वीडियो आपके पास आएगा तुरंत,
डिस्क्रिप्शन चेक करिएगा, उसमें आपको लिंक मिल जाएगी, या फिर आप कमेंट कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कंप्लीट आईपीसी के अंतर्गत किए गए सभी धारा का प्रावधान और उनमें संबंधित अपराध के बारे में। आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। मैं राजकुमार यदुवंशी फिर से मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू। इस वीडियो को अपने मित्रों में अवश्य शेयर करिएगा। इस वीडियो में दिखाई गई हर एक जानकारी इंटरनेट सोर्स के माध्यम से प्राप्त की गई है, जिससे आप कहीं से भी मिलान कर सकते हैं।